हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गेहूं के आटे से बनी हुई चटपटी पपड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तेल डालने से हम जो स्नैक्स बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर ये स्नैक्स आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ ली है, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। अब सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे की ये पपड़ी बनाना है तो बहुत ही आसान ही और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, सुबह या शाम की चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हमने जो मोयन डाला था वो भी परफेक्ट है, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंध लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतना सख्त डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम 3 भागों में अलग अलग कर लेंगे और एक भाग की लोई बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। लोई पर मैंने यहाँ पर तेल लगाया है, आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बेलेंगे। इसे हमें पतला पतला ही बेलना है। देखिए मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है। अब इस पर हम फोक की सहायता से होल कर देंगे। होल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पपड़ी तलने पर फूल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, ग्लास से हम छोटी छोटी पपड़ियाँ काट लेंगे। इस तरह से हम सारी पपड़ियाँ बना लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है इसे फिर से लोई बनाकर इसकी पपड़ी बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पपड़ी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर रखेंगे। पपड़ियों को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप देख सकते हैं गेहूं के आटे की पपड़ी
गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी पपड़ियाँ तल लेंगे। देखिए गेहूं के आटे की कितनी खस्ता और तीखी पपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसे मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। इसे आप बनाकर कुछ समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।